आज हम पढ़ेंगे सांस सांस में बांस, जो आपकी किताब पाठ 17 से लिया गया है और इसके लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। भारत में बांस की खेती की रोपाई जुलाई माह में होती है। इसके साथ साथ पौधा खाद अपनी पत्तियों से बनाता है। बांस के पौधों को खाद पानी बनाता है। ऐसे में पौधों को अलग से खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। इसकी फसल को तैयार होने में बांस की खेती आमतौर पर 3 से 4 साल में तैयार होती है। चौथे साल में कटाई शुरू हो जाती कर दी जाती है। बांस देखने में पहले हरे होते हैं और उसके बाद वो पककर पीले हो जाते हैं। बच्चे 2 साल में वो बच्चे जो बांस होते हैं उनको तोड़कर उनसे तैयार की जाती हैं टोकरियाँ। इस पाठ में लेखक कह रहे हैं कि एक जादूगर था जिसका नाम था चंग की चंगल नबा। वो एक बहुत बड़ा जादूगर था और करतब दिखलाया करता था। जब वो मरने को हुआ तो लोगों से बोला, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र को खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र को खोदा गया और उसमें से निकली बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस की पैदावार भारत में बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है और उससे कई चीज़ें बनाई जाती हैं। नागालैंड जैसे जगहों पर बांस की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। पहले बांस की खपच्चियों को कसकियाँ काटी जाती हैं। जो बच्चे बांस होते हैं, हरे बांस, उनसे पतली पतली खपच्चियाँ काट कर फिर उनसे टोकरियाँ बनाई जाती हैं। बांस से चटाई भी बनाई जाती हैं, डलिए, टोकरियाँ, बर्तन और मछली पकड़ने के लिए जाल भी बनाए जाते हैं। इस तरह के जाल ज़्यादातर उत्तरी पूर्व में बनाए जाते हैं। आसाम में तो पत्तियों के बागान में पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए इस तरह की बांस की टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। बांस के बनाए हुए फर्नीचर भी बहुत काम आते हैं। बांस से बैलगाड़ी भी बनती है और बांस का अचार भी बहुत स्वादिष्ट होता है। बांस से बनी हुई चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि बांस को की टोकरियों की बुनाई का रिश्ता बहुत पुराना है। जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। इस तरह की डलिया नुमा चीज़ें बनाई गई होंगी। पहले जो है भारत में जब डलिया नुमा चीज़ें बनाई जाती थीं, तब जो है उनको इस तरह से बुना जाता था। ताना और बाना मिला करके उनको चटाई नुमा बनाया जाता था। उनका एक चेक की तरह उनमें डिजाइन बनता था। पहले नोकीले आकार में वो बनाए जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे उनके आकार, उनके डिजाइन में जो है बदलाव आता गया। आसाम में ऐसे ही एक जल जकाई से मछली पकड़ते हैं। जैसे पहले दिखाया गया कि ये इसको जकाई कहते हैं, ये जकाई होता है जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। आसाम में छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी में की सतह में रखा जाता है, फिर या धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है और उससे मछलियाँ उसमें पकड़ ली जाती हैं। तो उसको छीलने के लिए जो उसका चाकू होता है वो दांव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियों को तैयार किया जाता है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियों
खपचिया काटी जाए यानी कहाँ से काटा जाए या टोकरी की लंबाई पर निर्भर होता है। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरियाँ तैयार हो जाती हैं। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले आओ। धन्यवाद।